ये क्या दे रहे हैं भाई साहब? 200 नहीं 300। किस बात के 300? 200 की बात हुई थी भैया। वो तो हुई थी जनाब, लेकिन उस वक्त ये बात नहीं हुई थी कि आप रास्ते में बैठकर आधा घंटा चाट खाते रहेंगे। आधा घंटा? 5 या 10 मिनट लगे होंगे यार। पढ़े लिखे लगते हैं साहब। क्या मतलब? क्यों झूठ बोल रहे हैं साहब? क्या 10 मिनट तो आपके बेटे को सुसु में लग गए थे। क्या बोल रहे हो तुम? दे दो ना 300, सड़क पर तमाशा ना करो। थैंक यू साहब। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? शेर साहब। अरे भाई मैं सेफ नहीं हूँ। हमारे लिए तो है ना सर बढ़िया। चलो खाओ। खाना हम शाम को खाएंगे। डन। अरे ये तो पूछो कहाँ से खाएंगे? घर से खाएंगे और कहाँ से खाएंगे? जी नहीं, हम खाना बाहर खाएंगे। बाहर से क्यों? देखो ना कितना खर्चा हो गया। कंजूसी मत करो, मैं कर लूंगी मैनेज। अच्छा ठीक है, हम बाहर से खाएंगे। वैसे क्या? कुछ नहीं। जो जल्दी रखवाना। क्यों, यहाँ क्या है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ लेकिन वो खरीदने को कुछ नहीं कह रही, बस दिखाना है। भाई यहाँ रोक दें। अबे यहाँ रोक दो भाई। आओ तो एक मिनट। अरे आओ तो सही भाई। दो मिनट जल्दी आओ। क्या है? ये है वो नेकलेस। कितने का है? कीमत तो नहीं पूछी मैंने, अनुषे के साथ आई थी नजर पड़ गई थी। खूबसूरत है ना? बहुत। 28,000 जमा कर लिए मैंने, एक दिन जरूर लूंगी। तब तक तो ये बिक जाएगा महवेश।
बिक जाएगा तो क्या हुआ, इस तरह का कोई दूसरा ले लूंगी। है तो बहुत अच्छा। चल चलो, दो मिनट हो गए वरना रिक्शे वाला 100 रुपए ज्यादा लेगा। भागो भागो भागो, आ जाओ। चल जल्दी से शावर लो और फौरन से बैठ पाओ। कहाँ टीवी, चलो फौरन सोने चलो, जब देखो तुम्हें कार्टून लगा रहता है। चलो क्या हो रहा है? देख रहा हूं कि मैं दौलतमंद कितना हूं। चलो चलो, सच कह रहा हूं। कभी जब लगता है मेरी जेब में पैसे कम है तो मैं वॉलेट निकाल कर तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूं, फिर मैं एक पल में अमीर हो जाता हूं। वो नेकलेस दे दो ना मुझे। मैं ही तो सोच रहा हूं, पर कीमत भी तो पता लगे ना। 90 का तो होगा। और तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 28,000 पड़े हैं। हाँ। तो बाकी रह गए 50 से 60 हजार। ज्यादा है ना। मेरी दो सैलरीज, फिर बताओ क्या करूं। चुपचाप सो जाओ। असल में तुम जाग रही हो ना, नींद भी कैसे आएगी? कैसा लगता होगा ये सोचकर कि तुम्हारा शौहर तुम्हें एक मामूली सा नेकलेस भी लेकर नहीं दे सकता। पर सच बताऊं, मैं तुमसे भी ज्यादा तड़प रहा हूं। सो जाओ प्लीज। नींद नहीं आ रही मुझे, मेरी औकात मुझे ठेंगा दिखा रही है। महवेश, तुम्हें कैसे बताऊं, मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया भर की नेकलेस लाकर तुम्हारे कदमों में रखूं। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो दानिश। इंसल्ट? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो शर्म से पानी पानी हो रहा हूं। मैंने कब कहा कि वो नेकलेस ले ही दो मुझे? तो बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कभी खरीद लूंगी, और ना भी खरीदूं कोई मर नहीं जाऊंगी। चलो सो जाओ, सुबह दफ्तर जाना है, हमेशा मंडे को लेट हो जाते हो। मेरी बेबसी पे तरस आ रहा है। चलो अब नई बात सोच ले। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, तुम जिस हाल में भी रखो मैं खुश रहती हूँ। आई लव यू। आई लव यू।
السلام علیکم خالد صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ سلام صاحب. خالد صاحب چائے لاؤں؟ ہاں لیا. سنو، سگریٹ تو نہیں پیتے تم؟ نہیں. ہاں بس وہ کبھی کبھی. تو ایک مجھے بھی دے دو. جی آپ پئیں گے؟ پیتا تو نہیں ہوں مگر ایسے ہی کبھی کبھی. وہ بتاؤ محبت علی صاحب کا کیا ہوا؟ دوبارہ آئے تھے صاحب کے پاس؟ پرسوں آپ کے جاتے یاد دھمکے تھے، صاحب نے ٹکا سا جواب دے دیا، بلکہ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ دانش صاحب کے دستخط ہوں گے تو میں سائن کروں گا. یہ ہے وہ نیکلس. کتنے کا ہے؟ قیمت تو نہیں پوچھی میں نے، انوشے کے ساتھ آئی تھی نظر پڑ گئی تھی. خوبصورت ہے نا؟ بہت. 28,000 جمع کر لیے میں نے، ایک دن ضرور لوں گی. صاحب چائے. کبھی جب لگتا ہے میری جیب میں پیسے کم ہیں تو میں والیٹ نکال کر تمہاری تصویر دیکھ لیتا ہوں، پھر میں ایک پل میں امیر ہو جاتا ہوں. ہیلو. آج صبح صبح ہی شام تک تو میں پھر پھرا کے پاگل ہی ہو جاتی ہوں. کیسی ہو چھٹکو؟ چھٹکو نہیں رومی. اچھا بابا رومی کیسے ہیں آپ؟ پھر پھر آ کے مطلب؟ بھائی وہ میرا بھائی ہے نا کمینہ، اسے اچانک یاد آیا کہ اسے شادی کر لینی چاہیے. کیا شادی کر رہا ہے وہ؟ جی کر بھی اس طرح سے رہا ہے کہ جیسے اگر فرائیڈے کو شادی نہ کی تو سیٹرڈے کو لڑکی کسی اور سے شادی کر لے گی. کیا فرائیڈے کو شادی ہے اس کی؟ فرائیڈے کو شادی، تھرسڈے کو مہندی اور ویڈنسڈے کو ڈھولک. واو. ویسے مجھے نا دانش پہ بڑا ہی ترس آ رہا ہے. کیوں؟ بھائی ظاہری سی بات ہے مہینے کے آخر میں اسے 3 جوڑے سلوا کے دینے پڑ گئے تو میرے بھائی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تو گالیاں دے گا نا. میں کارٹون دیکھ رہا ہوں، پاس تک ہو سکتی ہے. اچھا بابا لیکن تم ابھی کارٹون کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں تو اسکول نہیں ہونا چاہیے. وہ ایڈمیشن نہیں ہوا اس کا، سوچ رہی ہوں کہ اگلے مہینے کروا دوں. میری میر اب چھوٹی ہے نا اس سے. ارے ہاں وہ تو اس سے پورے 2 مہینے چھوٹی ہے، وہ تو پریپ جانے والی ہے اب. اور یہ مسٹنڈا گھر پہ بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہا ہے. What مسٹنڈا؟ ارے وہ مذاق کر رہی ہے، تم کارٹون دیکھو. May I come in sir? آئیے آئیے دانش بیٹھیے. دانش یہ محبت علی صاحب ہیں، یہ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کیجیے گا اور اگر ان کی بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، ورنہ میں نے تو انہیں کہہ دیا ہے کہ کام کچھ غیر قانونی ہے. صاحب شاید آپ کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ کام تھوڑا غیر قانونی، اصل میں بات یہ ہے کہ کام بالکل غیر قانونی ہے. میرے اختیار میں آتا ہے نہ صاحب کی اتھارٹی میں. کل کو پوچھ گچھ ہو سکتی ہے،
پوچھ گچھ کون کرے گا؟ 70 سالوں سے یہ ملک وہی لوگ چلا رہے ہیں جن سے پوچھ گچھ کرنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، اور جن کو پوچھ گچھ کا ڈر رہتا ہے وہ پچھلے زمانوں میں پیدل چلا کرتے تھے، اور آج کل وہ دفتر موٹر سائیکل پہ آتے ہیں۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے نا؟ جی۔ تو گاڑی کب لیں گے؟ میرا مطلب ہے کیسے خریدیں گے؟ پوچھ گچھ کی الجھن میں رہے تو 2024 میں 2014 کی گاڑی ہوگی آپ کے پاس، اور اس بات کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس دور میں گاڑیاں پیٹرول سے ہی چلتی ہوں گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لیکن کیا؟ دیکھیے دانش صاحب، یہ سرکاری دفتر ہے، جو کام آپ نہیں کریں گے وہ کوئی اور کر دے گا، لاکھ نہیں 1.5 لاکھ لے لے گا۔ ارے 2 دے دوں گا میں اس کو، لیکن میرا کام ہو جائے گا، آپ کو کیا ملے گا؟ اصل میں میری جو پرابلم ہے نا، آپ بھی سنیں گے تو ہنسیں گے مجھ پر۔ ہنسائیے، میرا مطلب بتائیے پرابلم اپنی۔ یہاں جب نوکری کا پہلا دن تھا تو ابا زندہ تھے، پاس بٹھا کر بولے، بیٹا جہاں تم نوکری کرنے جا رہے ہو وہ سرکاری دفتر ہے، سرکاری مطلب قومی۔ ابا ایسا ہی سوچا کرتے تھے، سرکاری کام کو قومی کام اور سرکاری پیسے کو قوم کا پیسہ کہتے تھے۔ بولے بڑا آدمی بننے کے لیے زیادہ پیسے اور بڑے رتبے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھنا امانت میں خیانت کرنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ ارے آپ سمجھے نہیں شاید، وہ سرکاری پیسے کو قوم کا پیسہ اور قوم کے پیسے کو امانت کہتے تھے۔ ارے بھائی صاحب وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے، لیکن وہ آپ کو ایک بات بتانا بھول گئے، امانت وہ ہوتی ہے جو آپ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ کیا ہے آپ کے پاس اور کیا ہے آپ کی نگرانی میں؟ مہنگا؟ جس کو آپ امانت سمجھ رہے ہیں وہ بالا بالا سینکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے، اور اس پہ آپ کے دستخط بھی ہوتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا تو اس بات پہ شرط رکھ لیجیے، آپ سائن بھی کریں گے اور 2 لاکھ میں سے آپ کو ڈھیلا بھی نہیں ملے گا۔ آپ تو لاکھ کی بات کر رہے تھے، میرا مطلب ہے آپ کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ دوں گا، تو آپ ریٹ بڑھا رہے تھے۔ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو یاد دلا رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ 1 لاکھ دوں گا۔ اچھا تو بھائی معاف کر دیجیے، 2 لاکھ دے دوں گا۔ ایک دن دے دیجیے مجھے۔ ایک دن؟ سوچ بچار کر لوں گا، یا پھر ضرورت پڑی تو ابا کی قبر پہ جا کے کہہ دوں گا کہ امانت کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے۔ منع کی فیس کے بارے میں بتائیے گا۔ منع کی فیس؟ نہیں نہیں وہ ابھی اسکول نہیں جاتا۔ ایک دن تو جائے گا نا، تو پھر فیس نہیں بھریں گے کیا؟ وہ تو بھروں گا۔ کیسے؟ اچھے اسکول کی فیس 18,000 سے شروع ہوتی ہے۔ سنو، کل میں مال گئی تو میں نے دیکھا کہ تمہارے والا نیکلس تو وہیں پڑا ہے، خریدا نہیں کیا؟ کہاں سے خریدوں گی، تنخواہ سے 1,000-2,000 تو بچتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کب تک بچے گا۔ کل کو رومی اسکول جانے لگا تو سمجھو وہ بھی گئے۔ اوہو، لیکن بات اس کے کان میں ڈال دی ہے، میں نے بتا دیا ہے کہ نیکلس کتنا پسند ہے مجھے۔ پیسے ہی نہیں ہے تو بتانے سے کیا ہوگا؟ ہو تو بہت کچھ سکتا ہے، بس ذرا ڈر اتر جائے اس کا۔ وہ کیا ہے کہ ابھی شرم آتی ہے اس کو، یا پھر ابا کی باتیں یاد آتی ہیں۔ ابا تو سنا تھا مر چکے ہیں۔ ان کی باتیں نہیں مری نا، ہمارے لیے زندہ چھوڑ کر گئے۔ تو پھر صاف صاف کہہ دو، اس طرح سے گھر نہیں چلتا ہے، میں بھی نوکری کروں گی۔ نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ کہتا ہے رومی کا کیا ہوگا، کون سنبھالے گا اس کو۔ چلو جی، لیکن بات تو ٹھیک ہے اس کی، میں بھی نوکری پر جاؤں گی تو بےچارا رومی کہاں جائے گا۔ پھر ایک بات بتاؤں تمہیں، اس بار ٹھان لیا اس نے کچھ کر کے دکھائے گا۔ کچھ کہا اس نے؟ نہیں، لیکن اس کی آنکھیں بول رہی تھیں، صاف کہہ رہی تھی کہ نیکلس تو ملے گا تمہیں، چاہے اسے بکنا ہی کیوں نہ پڑے۔ السلام علیکم۔
हाँ साहब भाई ये वाला नेकलेस दिखाइएगा। कौन सा? ये ग्रीन वाला। अच्छा ग्रीन वाला नेकलेस है ये। बैठिए। नहीं मैं आज बैठूंगा नहीं, आज सिर्फ कीमत पूछने आया हूँ, कल आकर खरीदूंगा। 1,03,000। 1,03,000। कल मिलते हैं फिर। ओके श्योर। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तुमने कहा था 2 बजे तक आ जाऊंगा, मैं 2 बजे से तैयार बैठी हूँ। मैं नहीं आ सकूंगा। क्या? मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मैंने नेकलेस की कीमत पूछ ली है। कब? आज ऑफिस से आते हुए। पूछने का फायदा, खामखा जी खराब करते हो अपना। चलो खाओ। वैसे कितने का है? 1,03,000। तुम्हारी 2 सैलरीज। अच्छा छोड़ो नेकलेस को, और ये सुनो, एक नई मुसीबत सर पर खड़ी है। वो भी बता दो। अनुषे के भाई की शादी है। तो चलेंगे ना? अरे सुनो तो सही, ये तो पूछो शादी कब है। बताओ कब है। फ्राइडे को, वेंसडे को ढोलक, थर्सडे को मेहंदी, 3 दिन जाना पड़ेगा। तो चलेंगे ना महवेश, कल मैं ऑफिस से आऊंगा तो शॉपिंग पे चलेंगे। अब मुझे मालूम है तुम जोर देकर क्यों कह रही हो कि 3 दिन जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, 3 जोड़े मिल जाएंगे तुम्हें, और भी कुछ मिलेगा। और क्या? रहने दो ना, कल सरप्राइज दूंगा तुम्हें। जल्दी से फिनिश करो ये, चलो। आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी मतलब? 2:30 बजे। वो कैसे? तुम तो कहा करते थे 4:30 से पहले निकल ही नहीं सकता। याद नहीं लास्ट वीक जब मुझे डॉक्टर के पास जाना था? कल सिचुएशन बदल जाएगी महवेश, साहब से मेरी दोस्ती होने वाली है। अरे वाह। बल्कि समझो हो गई दोस्ती, एक दिन की देर हो गई मेरी तरफ से। क्यों? जब वो दोस्ती का कह रहे हैं तो देर करने की क्या जरूरत है? एक दिन तो लगता है ना महवेश, अपने कद से नीचे उतरने के लिए, या फिर अपने कद से ऊपर की दोस्ती को एक्सेप्ट करने के लिए, एक दिन तो लगता है। तुमने पूछा नहीं कि मैं 2:30 बजे क्यों आऊंगा? हाँ याद ही नहीं रहा। शॉपिंग पे लेके जाऊंगा तुम्हें, तैयार है ना? ये खत्म करो, एक और पराठा लेकर आ रही हूँ। खा लो ना इसको। ये लो, ये खाओ पराठा। 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Have a nice day, Papa. एक काम तो करो, अनुषा से पूछो मीरब कौन से स्कूल में पढ़ती है। किस लिए? भाई इसे हम स्कूल में दाखिल कराएंगे ना, मुस्टंडो की तरह सारा दिन कार्टून देखता रहता है। Bad word, Papa. अब देखो अंग्रेजी भी बोलता है। Very good, Papa. Have a nice day, Papa. चलो, पता है कि फीस कितनी है इस स्कूल की? 10-15 हज़ार होगी। और तुम्हारी सैलरी याद है ना कितनी है? 48,400। मगर तुम्हें मालूम है मेरे दस्तखत में पावर कितना है? 2% की फाइल साइन करूँ ना तो 2 लाख का चेक साइन हो जाता है।
कैसे हो दानिश भाई? फाइन, और आप? मैं भी फिट। भाभी का सुनाइए। क्या सुनाऊं? कैसी हैं वो? अच्छी हैं बहुत। ऑफिस जा रहे हो? अभी तो प्लग साफ कर रहा हूँ। जा तो ऑफिस ही रहे हो ना, कोई काम है? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। किसी दिन भाभी को लेकर आइए ना हमारे घर। किसी दिन लेकर आऊंगा। ओके, चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे एक मिनट भाई, एक सेकंड। जी। ये कितने की है? क्या आपकी ये गाड़ी खरीदेंगे? क्या खरीद भी सकता हूँ, कीमत तो बताइए। होगी कोई 12 लाख रुपए की। 12 लाख? ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर करें बात? नहीं नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन बाद। एक बार भाभी को दिखा लीजिए, खुश हो जाएंगी। कहा ना, अभी नहीं, अभी बस सोच रहा हूँ। पैसे पूरे नहीं तो घबराइए मत, आपके लिए महीने का क्रेडिट भी चलेगा। ले लीजिए, भाभी खुश हो जाएंगी। अगले महीने बात करूंगा, डेफिनेटली। ओके, चलता हूँ दानिश भाई। बात बात पे भाभी की बात कर। क्या हुआ? तुम लोग इतनी बुरी बुरी शक्लें बनाकर क्यों खड़े हो? कोई कोई मर गया है क्या? वापस आकर आप सब लोगों के बयान लेता हूं, यहीं रुकिएगा। जी नहीं। जी नहीं तो सब कहते थे। तो फिर आपके सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास, और वो है जी नहीं। क्योंकि क्योंकि मेरे अब्बा कहा करते थे, सरकारी ऑफिस का सारा पैसा काम करने वालों के पास कौम की अमानत होता है, अमानत में कभी खयानत ना करना। जवाब अच्छा है, इसका मतलब आपके अब्बा बहुत अच्छी बातें किया करते थे। आपका फ़ोन बज रहा है, रुकिए, फ़ोन मुझे दीजिए। मेरी बीवी का फ़ोन है। डोंट वेरी, आपकी बीवी का फोन हुआ तो आप ही बात करेंगे। लाइए, फोन मुझे दीजिए। तुम अभी तक आए क्यों नहीं? घड़ी देखो, 3 बज रहे हैं। आपकी बीवी का फोन है, बात कीजिए। हेलो, मैं क्या पूछ रही हूँ? तुम क्या पूछ रही हो? तुमने कहा था 2 बजे तक आ जाऊंगा, मैं 2 बजे से तैयार बैठी हूँ। मैं नहीं आ सकूंगा। क्या? कसम खाऊंगा तो यकीन आ जाएगा तुम्हें? तुम्हारी कसम, अब्बा की बात को भुला दिया था मैंने। फैसला कर लिया था कि अब पैसे ले लिया करूंगा, बल्कि अब तो तय हो गया था कि पहली डील में 2 लाख मिलेंगे मुझे। वो जो
वो जो सरप्राइज की बात कर रहा था, पूछ तो लो कि क्या था वो सरप्राइज। नेकलेस लेके दे रहा था तुम्हें, वही वाला, बल्कि शायद उससे भी अच्छा। मोटरसाइकिल बेच तो फिर ऑफिस कैसे जाओगे? वो मेरा प्रॉब्लम है ना, बस जाती है यहाँ से। रहने दो, वो पूछेगी तो कह दूंगी हमारी हैसियत नहीं है। कौन पूछेगी? अनुषे की बात कर रही हूँ। आज वो आई थी तो बड़ मार दी मैंने उसके सामने। उसे लगता है तुम चाहो तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। अच्छा घबराओ मत, प्लीज अब कोई उम्मीद मत दिलाओ, और ये मोटरसाइकिल बेचने की बात भी ना करना। 30,000 से ज्यादा की नहीं है तुम्हारी मोटरसाइकिल, और नेकलेस याद है कितने का था? खाने के लिए कुछ बाजार से ले आओ, मैंने कुछ नहीं बनाया। जाके बैठो तो सोफे पे, हर वक्त की शरारतें इसकी। अब मुझे समझ आ गया महवेश, 2019 में अब्बा की बातें किसी काम नहीं आई, और उन एंटी करप्शन वालों को भी देख लिए, अब उनका कोई डर नहीं रहा मुझे। और नेकलेस तो एक तरफ, अब मैं मोंटी की गाड़ी खरीदने का भी सोच रहा हूं। पकड़े गए तो? मेरे साहब की जमानत हो गई अदालत का वक्त खत्म होने के बाद। करोड़ कमाया हो तो 10 लाख में बाइज्जत बरी हो जाते हैं आप, बस 5-6 दिन की दयानतदारी चलेगी वो, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके भाई की शादी में क्या पहनकर जाऊंगी? मतलब आर्टिफिशियल के तीनों सेट उसी के साथ जाकर लिए मैंने। एक तो उसके भाई की शादी इतनी जल्दी हो रही है कि अच्छा बताओ क्या करूं, मोटरसाइकिल बेच के भी पैसे पूरे नहीं होंगे। लोन ले लो। अब ये ना कहना कि अब्बा ने लोन लेने से ही मना किया था। किससे लो? अरे दोस्त किस मर्ज की दवा है, मतलब बुरे वक्त में 80-90 हज़ार का कर्ज तो दे ही देते हैं। तुम्हारे अलावा कोई दोस्त ही नहीं है मेरा, मुझे लगा मेरे पास तुम हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है। तुम बताओ ना, कभी गया हूं किसी दोस्त के पास? सारी दोस्ती तो तुमसे। तो जाया करो, बनाओ अपने दोस्त, और चुन के ऐसे दोस्त बनाओ जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ सके। चलो रूमी, तुम्हें तो मैं ऑमलेट बना कर दूं। अच्छा भाई, आधा भाईजान 10 किलो मछली दे दिएगा, पहले इनको दे दो। लोन ले लो। अब ये ना कहना कि अब्बा ने लोन लेने से ही मना किया था। आपकी कितनी है जनाब? आधा किलो। तो जाया करो, बनाओ अपने दोस्त, और चुन के ऐसे दोस्त बनाओ जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ सके।
चलो भाई मैं खाना ले आया हूँ। मामा सो गए, पापा ने मुझे सुलाया नहीं। तुमने कुछ खाया? मैंने ऑमलेट ब्रेड के साथ खाया। चलो गुड, मैं तुम्हारी मम्मा को जगा के आता हूँ। हाँ ले आओ यार। सर वो एक बात करनी थी आपसे। बोलो। मुझे 2000 रुपये लोन चाहिए, तनख्वाह से कटवा दूंगा। वो क्या है कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, आज किसी भी वक्त उसे अस्पताल लेके जाना पड़ जाएगा। तुम ये शम साहब से मांग लो ना, इनके पास तो ऊपर से भी आते हैं। साहब जिनको ऊपर से कमाई आती है वो इंतहाई कमीने होते हैं। मांगे थे कल मैंने उन्हें, कहने लगे साहब से कह दूंगा। और साहब का क्या हुआ? होना क्या है साहब, ऑफिस में बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं। अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। शुक्रिया साहब। मैं कम इन सर। आइए आइए दानिश। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज सर। सरप्राइज? सरप्राइज ही तो है सर, कल वो एंटी करप्शन वाले आपको ले गए तो मैं समझा आप, वो तो रात को शम्स का मैसेज आया तो मैं हैरान ही रह गया। 2 घंटों में आपकी बेल हो गई। अरे यार बेल कैसे ना होती, एंटी करप्शन वालों ने खुद लिखा है के छापे के दौरान उन्हें कुछ भी बरामद नहीं हुआ। वो कैसे सर, 6 फाइलें तो मेरे सामने खोली गई, फाइलों में बनी हुई थी सारी चीजें, शहर में तो कहीं भी नहीं थी। घंटे में बन गई ना सब। साला 10 लाख मांग रहा था मुझसे, मैंने 20 की ऑफर कर दी, वहीं गाड़ी रोक दी, कहने लगा 1 कप चाय पीते हैं। 1 कप चाय सर? हाँ, चाय के कप के बाद बोला आप घर जाओ और 1:30 बजे स्पेशल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में पेश हो जाना। और पता है 1:30 बजे जब मैं मैजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंचा तो उसी ऑफिसर ने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और साथ ही बोला सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कल तो वो बड़ा मस्त बन रहा था, ऐसे लग रहा था कि एक ही दिन में सबको पकड़ लेगा। जो साला पैसे नहीं देगा पकड़ा जाएगा। ये बात, लेकिन मैंने भी सोचा है कि 1 हफ्ता ईमानदारी दिखाते हैं। 1 हफ्ता सर? क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, वो क्या है कि 2 लाख वाली बात हुई तो मैंने अपनी बीवी से एक नेकलेस दिलाने का वादा किया था। 2 दिन में शादी है ना उसके दोस्त की भाई की, परेशान हो रही थी। खैर। खैर क्या, भाई वादा किया है तो वादा पूरा करो और अपनी वाइफ को नेकलेस दिलवाओ। कैसे सर, तनख्वाह में तो। शम साहब को बुलाइए प्लीज। रुको रुको, जी सर। शम्स, दानिश साहब के अकाउंट में 2 लाख रुपया डाल दो। नहीं नहीं, अकाउंट में मत डालिए, उनको 2 लाख कैश दे दीजिए। बस इतनी सी बात। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।